हरिंदर को नया दोस्त भाई पता ना कौन था आगे सुबह सुबह ड्रिंक कर रहा की है और जिद रहा जब तक पूरी डिबेट कर रहा हूँ ना ना भैया जी मजाक में चले ना मेरी यार चल ठीक है जा जा ठेको खुल गए बाप तो जा कहाँ चल जा रहा है इंग्लिश में बोल रहा हो तू भी बात है जिम में आए ना यू हरिंदर ने पार्टनर बना लियो अब ननु कह रहा हूँ तू दारू मत पिए कर जिम करे करेंगे दोनों चल जिम ले जाना हरिंदर है अभी तक जिम करवा रहा है अकेले में सारे जितने जिम में बालक होंगे सब भग जाएंगे देख के जा हरिंदर एक बात है यार दारू वाले के भी सिस्टम ही अलग है भाई सुबह सुबह पी राखी बता यार लोट पोट हो रहा है गिर गए मट्टी पे यहाँ गिर गो और हम तो टाइम पूछ रहा हूँ हरिंदर टाइम की कैसा कह रहे हो भाई मैं बताऊ टाइम की पूछी हम तक कि टाइम कितना हो रहा है मैंने की 9:30 जब कह रहा हूँ इंग्लिश नहीं आती मुझे कैसे कही इंग्लिश नहीं यार ने कही 9:30 हो रहा है जब कह रहा हूँ इंग्लिश नहीं आती मुझे अः मन की भाई अम्मो यू बता हिंदी में कौन सा शब्द यूज करे जो तो हिंदी लगे संस्कृत में बताओ मन की संस्कृत हम पहनवा तो यार ऐसे ऐसे कला कर रहे इतनी पी ले हुए भाई पियो तो लिमिट में पियो ना सुबह 9 बजे बता 9 भाई पियो तो यार लिमिट में तो पियो कम तक मैं ऐसा तो मत करो कि भाई तुम्हें होश ही ना बिल्कुल यार मट्टी में पड़ा हो यार हूँ ना आयो वो भी कोसा भाओ आओ आओ अरे आ जाओ कोसा भाओ अरे आप आओ तो सही अरे तू याद है कहाँ पूछे तू बता ना तू बता थोड़ा चौड़ के चल अंकल लेट आ रहा चाय को लेट होगा आज अक्षय सुबह सुबह चाय चल रही ठंड है ना भाई ठंड में यार चाय तो बने देख कितनी देर तक इंतजार कर रहे हैं अंकल या कौन अरे बहुत देर होगी बहुत देर होगी भाई फोन करे अक्षय ऐसे ही करा है अब यहाँ पे ऊपर तक नीचे आने में इतना टाइम लग रहा है हमें कम से कम 10 मिनट तो हो गए अंकल जी और हमने फोन कर दिया पहली जब निकलने से पहले कि मैंने कि आ जा हम नीचे ही है फोन कर दो दोबारा एक फिर चलो भैया आ तो लिए बैग रख दो पहले सो के उठ गए हो कब भी अक्षय तुसी तो वैसे यूं कह मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊं तो भाई अभी मैंने फोन करो तो इन्हें क्या कही कि यार मैं सो रहा हूँ दोबारा सो गया मतलब दिन में 3 बार सो ठंड ज्यादा हो रही दिन में 4 बार सो मैंने सोची बाल लगे नमोनिया हो सके कैसे नमोनिया हो जाएगा बाल लगे अब उल्टा ले लो तिकोम रोड पर चलो अंकल रोड पर चलो ठीक है सुनो नॉर्मल सब सोवे हैं रात को और दिन में अगर भाई थोड़ा फ्री है तो दिन में सो ले भाई सो दिन में 4 बजे रात को सोवे सोवे फिर दोबारा 9 बजे फिर सो जा फिर दिन में फिर सोवे 3 बजे हाँ 3 बजे सोवे सही बोले 3 बजे खावे 3 बजे ना खावे तो ही ज्यादा है अंकल है समझ को खावे तो अनलिमिटेड है तुम तो यार वैसे झूठ बोलो मैं तो सुबह सुबह ही नहा लिया आज और आज भी सर्दी हाथ ताप ले तू देख औच लगा रखी तो स्पेशल चूर चूर नान दिल्ली द्वारका वालों का सुबह सुबह लिया है अंकल आजो आजो देखो 2 प्लेट है अरे झूठ की बोले नगर मैं ना खाऊंगा इन दोनों ने करवाई है मैं खड़ो देखूंगा नुका तू वीडियो बना बस एक में ते हम दो हैं एक में ते यू अकेलो है ए भाई यहां आ जा या साइड को आ जा ना खा लूंगा मैं भी बस आजकल ना 2 चीज ट्रेंडिंग में चल रही है खाने की अक्षय बता क्या एक तो मटन बिरयानी अरे यार और एक नल्ली निहारी ये तो पता नो ऐसी बात रहे हैं मटन वटन चिकन की बात रहे मैं वैसे नॉर्मल बात करूं वेज में पता क्या चल रही है एक तो बिरयानी वेज बिरयानी और दूसरा चूर चूर नान भाई वेज बिरयानी चूर बिरयानी चल भाई कुछ खाने की चीज मटन मतलब चावल बस भाई ठीक है और देख ये देख टोटल बिरयानी वाले हैं वेज है सारे ठीक है अंकल आप भी करो चूर चूर नान का काम धीरे धीरे स्टार्ट करियो चूर चूर नान
अच्छा कहो मतलब अच्छा रहेगा वैसे। यू किसी ने पता नहीं जिसने भी निकाल लिया है अलग ही तरकीब निकाल लिया है वह चूर चूर करके दे दे वह। अच्छा ले भैया सीधो अपने होटल पे जिम पे। आज इतनी भीड़ का है यहाँ। जन्मदिन किसको आपको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो अंकल को, अंकल का जन्मदिन पता ना कब आवे पता लग गया भाई। एक तारीख को, एक जनवरी को अंकल का जन्मदिन है, पहले सेलिब्रेट करेंगे फिर घूमने जाएंगे हम दो तारीख को। ठीक अंकल राजी हो? ओके ठीक चले। तो भाई अब अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे शोल्डर का। अरे कार्तिक भाई कौन तो राजस्थान तो लाओ गाड़ी है वाइपर वाइपर मार लियो। चलो भाई जय बजरंग बली। मैं कह रहा हूँ गाना रोकने को चला दे ऑल्टो भाई, थोड़ी देर साइकिल चला ले क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। ऐसा हो रहा बिल्कुल मन ही ना कर रहा एक्सरसाइज करने को। और टाइम भी होगा 8:30-9:45 और आज लेट स्टार्ट करी तो मतलब बाहर खड़े हुआ मैं होटल पर हूँ बाहर, तो भाई हाथ वाथ सुन्न हो गए कहते। अब ऐसा लग रही है पहले शरीर गर्म कैसे करूँ, तो हमारा साइकिल चला लूँ उनकी। नीचे ले हाँ बढ़िया। बोले ना रुक जा पहले मैं उठा लूँ, ऊपर पकड़ी या हाथ में लग रही है, रुक जाएगी। ऊपर ही गई हो छोड़ दे। फुल हैवी डंबल ले रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट मैं उठा लूँ पहले। अब करो भैया पीछे आके ठीक है आ जा उठवा दियो। 3, 2, 1 चलो 3 करवा हल्को तो भाई वर्कआउट होगा। और वर्कआउट करते करते 11 बज गए क्योंकि लेट ही स्टार्ट करी। और देखो बाहर का माहौल दिखाऊं तुम्हें, धुंध ही धुंध होगी पूरे में। ये देखो है कैसे ब्लर हो रहा है। कुल मिला के मौसम बढ़िया ठंडा हो रहा है। अब कुछ खाएंगे पियेंगे और घर चलेंगे। तो भाई घर पहुंच लिए और ठंड तो खैर पड़ी रही है सभी पता है। और आज मैंने शोल्डर की तगड़ी एक्सरसाइज करी है। मैं शोल्डर की एक्सरसाइज से बचने लगा था क्योंकि 6-7 महीने पहले मतलब अपनी जिम बनने से पहले मैंने कहीं और वर्कआउट करा तो खाली 20 का डंबल है मैं उससे जैसे डंबल प्रेस ले रहा है ना तो लेफ्ट वाले शोल्डर में पता ना क्या होगी रियर साइड पता ना कैसे कोई इंजरी होगी। क्या मैंने वैसे कहा डॉक्टर एक बार दिखाई तो वो कह रहा हूँ भाई चेक करवाइयो इसे ढंग से। तो उसके बाद मेरे को शोल्डर की एक्सरसाइज ना हो गई बिल्कुल भी। अब जाकर ठीक हुई है। तो आज मैंने पूरा हैवी डंबल लिया हो भाई जो हमारे जिम का सबसे हैवी डंबल है। तो भाई ये करके बताइए कितना वेट होएगा डंबल में। ठीक है बाकी भाई व्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं आपको कल वाले व्लॉग में। भाई व्लॉग को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है राम राम जी।